हेलो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बेसन की बर्फी सर्दियों में बेसन की बर्फी खाना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है आज हमने बेसन की बर्फ़ी बहुत ही आसान तरीके से बनाई है तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की रेसिपी बनाना तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं बेसन की बर्फ़ी बनाना तो कढ़ाई को गैस पर लिया है और तीन चम्मच हमने देसी घी डाला है देसी घी जब मेल्ट हो जाए तब हम डालेंगे एक कटोरी बेसन बेसन हमेशा छान के ही लीजिएगा आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन देसी घी से बनी बेसन की बर्फ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और इसे कंटिन्यू चलाते हुए भून लेना है और ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी आप आप बेसन भूनने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो मोटी तली का ही होना चाहिए मोटी तली का जो बर्तन होगा उससे हमारा बेसन चिपकेगा भी नहीं और जलेगा भी नहीं और इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें भून लेना है लगभग हमें इसे तीन चार मिनट अभी भूनना है और गैस की फ्लेम लो ही रखनी है तो देखिए लगभग तीन से चार मिनट हो चुका है अब इसी समय हम इसमें दूध ऐड करेंगे दूध हमेशा गुनगुना ही लेना है ठंडा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है और दूध फुल क्रीम वाला ही लेना है थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें दूध डालेंगे जब आप दूध डालेंगे तो जो बेसन होगा एकदम डो के फॉर्म में आ जाएगा लेकिन हमें इसे चलाते रहना है रुकना बिल्कुल भी नहीं है तो फ्रेंड्स आज की जो बेसन की बर्फ़ी है बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और एकदम हेल्दी तरीके से हमने इसको बनाया है कोई भी बाहर की चीज का इस्तेमाल हमने नहीं किया है तो देखिए हमने इसमें लगभग एक कप दूध का इस्तेमाल किया है और दूध को हमने थोड़ा थोड़ा ही डाला था तो एक कप हमने दूध डाल दिया है और इसे हमें लगातार चलाते हुए ड्राई करना है और गैस की फ्लेम लो ही रखना है तो देखिए बेसन भी हमारा अच्छे से भुनने लगा है और बिल्कुल भुनकर तैयार हो चुका है अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कढ़ाई को नीचे उतार लेंगे इसे भुनने में हमें लगभग पंद्रह मिनट लगे थे तो चलिए अब हम चीनी को पीस लेते हैं एक हम मिक्सी जार लेंगे इसमें डालेंगे एक कप चीनी आप जितना मीठा खाते हो उसी हिसाब से चीनी डालिएगा अब इसमें डालेंगे चार पांच इलायची इससे बर्फ़ी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा तो चलिए चीनी को भी हमने पीस लिया है और एकदम महीन चीनी पीसनी है दरदरी बिल्कुल भी नहीं रखनी है तो चलते हैं कढ़ाई की ओर तो देखिए बेसन भी अच्छे से ठंडा हो चुका है बिल्कुल ठंडा हमें नहीं करना है इतना ठंडा करना है कि हम हाथ से इसे छू सकें तो देखिए गुनगुना ही हमारा बेसन है और इसमें हम चीनी ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसे मिक्स करेंगे फ्रेंड्स ध्यान इतना रखिएगा अगर आपका बेसन ड्राई लगे जैसे जैसे हम चीनी मिक्स करेंगे और बेसन आपका ड्राई लगे तो आप इसमें गुनगुना दो चम्मच दूध डाल दीजिएगा इससे हमारी जो बेसन होगी एकदम डो फॉर्म में आ जाएगी और इसे हमें मिक्स करके डो के फॉर्म में ला है और इसे चलाते जाएंगे अगर हमें दूध की जरूरत पड़ेगी तो हम दूध डाल सकते हैं तो देखिए डो हमारा तैयार है बिल्कुल बेसन का एकदम परफेक्ट के तैयार हुआ है और इसमें हमने एक चम्मच गुनगुना दूध भी डाल दिया था जिससे कि जो बेसन ड्राई था वो एकदम लिक्विड फॉर्म में आ गया और के जैसा तैयार हो गया है तो चलिए अब ये जमने के लिए एकदम परफेक्ट है अब चलते हैं एक जार ले लेते हैं कोई भी ट्रे ले लीजिए इसमें हमने पहले से घी लगा के रखा था और इस बर्फ़ी इस बेसन को इसी में डाल देंगे और बर्फ़ी के सेब में इसे जमा देना है तो फ्रेंड्स कितना आसान है इसे बनाना इसे कोई भी बना सकता है और इसमें समय भी बहुत कम लगता है कोई भी बाहर से हमें चीज़ें भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं आपके घर में बेसन तो होता ही है और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हों वो भी आप काट के ऊपर चिपका सकते हैं तो बिल्कुल शेप में ला देना है बिल्कुल चिकना कर देना है तो देखिए बिल्कुल चिकना हमने कर दिया है और इसके ऊपर हम बादाम काट के डाल देंगे आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो वो डाल दीजिएगा और इसको हमें थोड़ा सा दबा देंगे जिससे कि ड्राई फ्रूट हमारे अच्छे से चिपक जाएं तो देखिए बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार है एकदम मज़ेदार कमाल की तो इसे हमें दो घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है चाह, आप चाहे आप चाहें तो पंखे में रख सकते हैं या फ्रिज में रख सकते हैं नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए आसानी से आपकी बर्फ़ी जम जाएगी तो चलिए इसे जमने के लिए हम दो घंटे के लिए ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं तो चलिए मिलते हैं दो घंटे बाद एकदम बढ़िया हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है आप चलते हैं मिलेंगे दो घंटे बाद तो देखिए दो घंटे हो चुके हैं बर्फ़ी जमकर हमारी तैयार है एकदम मज़ेदार एकदम परफेक्ट ये देखिए इसको पहले हम साइडें इसकी काटेंगे जिससे कि आसानी से हमारी बर्फ़ी निकल सके तो चलिए इसकी साइडें काट लेते हैं और जैसा आपको शेप पसंद हो उसी तरह से आप काट लीजिएगा हम चौकोर शेप में काटेंगे क्योंकि बर्फ़ी का शेप हमेशा चौकोर ही अच्छा लगता है और देखने में भी सुंदर लगता है खाने में तो अच्छी लगेगी ही क्योंकि इतनी स्वादिष्ट हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है तो फ्रेंड्स इसको बनाइएगा ज़रूर और खाइएगा खाइएगा बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है आज की बर्फी आपको हम निकाल के दिखाते हैं देखिए कितनी स्वादिष्ट बनी है एकदम परफेक्ट भी बहुत ही अच्छा पीस एकदम ड्राई हो गई है और अंदर से सॉफ्ट भी है हमारी बर्फी बनकर तैयार है एकदम बढ़िया तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो आज का कमेंट करके बताइएगा और बनाइएगा ज़रूर इसको और ट्राई जरूर करिएगा क्योंकि आज हमने बर्फी आपके साथ बहुत ही हेल्दी तरीके से, से शेयर की है तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो जरूर इसको ट्राई करिएगा कोई भी बाहर से सामग्री आपको लाने की ज़रूरत नहीं है तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते बाय एंजॉय करिए और इसको खाइए बनाइए और खिलाइए थैंक यू